हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आपको स्वागत है क्रिकेट विद शत्रुघ्न चौबे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं वेस्टर्न वॉरियर्स वर्सेस सतरन हिटर्स के बीच में होने वाला है प्लेस ऑफ मैच के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मैच भारत के टाइम के अनुसार 2:30 बजे होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये मैच अभी भी स्टार्ट होने में 1 घंटा 23 मिनट बाकी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो 15-20 मिनट में अपलोड हो जाएगा, तब भी आपको 1 घंटा टाइम बचेगा। फ्रेंड्स, 1 घंटा टाइम काफ़ी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मैच किंड्रा रॉ ओवल अकेडमी है और यहाँ पर ये T10 मैच है। फ्रेंड्स, T20 नहीं, सब लोग को ये डाउट आ रहा है। तो ये T10 मैच है फ्रेंड्स और ये मैच भारत के टाइम के अनुसार 2:30 बजे होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पर विकेट कीपर है, बैट्समैन है, ऑलराउंडर और बॉलर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुल मिला के आपको 40 प्लेयर तक मिल सकते हैं। इसमें हम लोग टॉप 11 प्लेयर्स को पिक करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर लाइव टीम बनाने वाले हैं फ्रेंड्स, कोई दिक्कतें नहीं होने वाले। अगर वीडियो पूरा एंड तक देख लोगे तो फ्रेंड्स, यहीं पर आपको ये टॉप 11 प्लेयर्स मिल जाएंगे। इस प्लेयर्स को लेकर आप स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, हेड टू हेड, मिनी ग्रैंड लीग, जो भी लीग आप खेलना चाहोगे फ्रेंड्स, में आप 100% जीत जाओगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक काम करना है फ्रेंड, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अगर लिंक ओपन नहीं होता है तो टेलीग्राम पे जाके इस तरह सर्च करना, क्रिकेट विद शत्रुघ्न चौबे सर्च करते हैं, मेरा चैनल से हो जाएगा, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड, जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पर बात आती है फ्रेंड्स, यहाँ पर किस विकेट कीपर को लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 3-4 विकेट कीपर की स्टार्ट आपको मैं देने वाला हूँ। तो पहला विकेट कीपर है फ्रेंड्स, यहाँ पर हरिंदरजीत सिंह सेखौन। अगर इनकी बात करें तो इस सीजन में अभी तक एक भी मैच नहीं खेले, लेकिन यहाँ पर इनकी बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इनके लास्ट मैच में 28, 24, 150 और 20 रन बनाए। तो यहाँ पर 320 बनाए फ्रेंड्स यहाँ पर, तो अभी तक एक भी मैच नहीं खेले, तो इनको अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद वैन मोहम्मद की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इनकी अगर बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सेकंड डाउन और सिक्स डाउन पे बैटिंग करेंगे। अगर इनकी बात करें तो फ्रेंड्स, इनका भी कोई खास स्कोर नहीं है, 0 है, नॉट प्ले है और यहाँ पर 9 रन है। तो यहाँ पर लास्ट पूरे मैचेस देखा जाए तो इनकी 6-7 मैच देखा जाए तो इनकी बेस्ट स्कोर है 18 रन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी क्या करना, आपको इस प्लेयर को अवॉइड करना। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो एक और प्लेयर है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हफीज। अगर इनकी बात करें तो लास्ट कुछ 5 मैचेस के स्कोर की बात करें तो 11 रन, 7 रन, 0 रन, 16 रन और 0 रन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखा जाए तो इनकी बेस्ट स्कोर है 16 रन है हफीज का। और यहाँ पर हकीम हरीशन की बात करें तो अभी तक नहीं खेले फ्रेंड्स, लेकिन अगर इनकी बात करें तो यहाँ पर इनकी स्कोर की, तो यहाँ पर लास्ट 5 मैच में इनका स्कोर है 13 रन, 9 रन, 10 रन और यहाँ पर 9 रन और 4 रन बनाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखा जाए तो किसी भी विकेट कीपर के खास स्टैट्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको लेना है तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वैन मोहम्मद को अवॉइड कीजिए। हरिंदरजीत सेखौन अभी तक नहीं खेले, अगर ये खेलते हैं तो इनको मैं जरूर पिक करता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर हफीज की बात करें तो 11, 7, 0, 16 है। तो यहाँ पर हफीज और वैन मोहम्मद में आपको यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको ये हफीज पे जाए फ्रेंड्स, ये प्लेयर आपको बेस्ट बन सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग विकेट कीपर को ले लिए। अब आगे फ्रेंड्स, यहाँ पर बैट्समैन की, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बैट्समैन की बात करें तो थोड़ी लंबी लिस्ट है फ्रेंड्स यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट बैट्समैन मैं देने वाला, उसी को आपको पिक करना है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है असलम खान। अगर इनकी बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर असलम खान मलिक। अगर इनकी बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इनके लास्ट कुछ मैचेस में स्कोर है 0 रन, नॉट प्ले, 0, 4, 66 और 9 रन बनाए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इनको आप अवॉइड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अहमद असबी के यहाँ पर स्टार्ट नहीं दिखा रहे फ्रेंड्स, यहाँ पर वो बॉलिंग पर आई होप चला जाएंगे। तो अहमद असबी जो है वो आपको बॉलिंग पर मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पर अमीरुल की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अमीरुल यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, नूर अनॉल है। अगर इनकी बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 0+2 विकेट्स और 2 विकेट्स आप इनको भी अवॉइड कीजिएगा। उसके बाद डैनियल हसमी की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे प्लेयर्स आपको यहाँ पर डैनियल हसमी यहाँ पर है फ्रेंड्स आपको नजर आ रहे हैं। डैनियल हसमी की बात करें तो फ्रेंड्स, 2 मैच खेले, 2 मैच में 0 रन और 2 विकेट्स लिए हैं। तो यहाँ पर एक 2 विकेट मिला फ्रेंड्स इनको। और शंकर सतीश की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर शंकर सतीश आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 6 रन बनाए लास्ट मैच में, नॉट प्ले, 9 रन, 4 रन और 1 रन और 0+0 विकेट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर शंकर सतीश की ये स्टैट्स है। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो कुछ और बैट्समैन है फ्रेंड्स, यहाँ पर मोहम्मद अरिफ की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मोहम्मद अरिफ की बात करें तो यहाँ पर मोहम्मद अरिफ आपको ऑलराउंडर पर मिल सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ प्लेयर्स हैं फ्रेंड्स, सिद्धार्थ कार्तिक, ये सब रंगराजन, ये सब सब प्लेयर्स आपको यहाँ पर ऑलराउंडर्स पे मिल सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं। तो यहाँ पर आपको बेस्ट बैट्समैन की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर शेर समीर रहमान को आप यहाँ पर पिक कर सकते हो। यहाँ पर हशमी बेस्ट ऑप्शन होने वाला है फ्रेंड। उसके बाद एस कार्तिक को आप यहाँ पर ले सकते हैं। 3 बैट्समैन आपको काफ़ी है, आप दूसरे पर जाने की जरूरत नहीं। अगर ऑलराउंडर्स की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आमिर खान मलिक की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इनकी लास्ट कुछ मैचेस की विकेट की बात करें तो लास्ट मैच में इनको 1 विकेट मिला फ्रेंड्स, 0 पे आउट हो गए। उसके बाद 52 रन बनाए और 1 विकेट भी लिए हैं फ्रेंड्स उसके साथ साथ। उसके बाद 0 विकेट है, 18+2 विकेट भी लिए हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। उसके बाद 3 विकेट लिए एक मैच में, 4+1 विकेट, 8+1 विकेट। तो फ्रेंड्स, इस प्लेयर को जरूर टीम में रखना है आपको। यहाँ पर आमिर खान मलिक को यहाँ पर ले रहे हैं। सरविन मुनियांडी की बात करें तो फ्रेंड्स, ये प्लेयर को भी आप लीजिए। 4 रन 1 विकेट है लास्ट मैच में, फिर 63 रन बनाए, फिर 42 रन बनाए और कोई विकेट नहीं मिला फ्रेंड्स। उसके बाद 57 रन और 2 विकेट लिए हैं। उसके बाद 7 रन 1 विकेट। तो यहाँ पर देखा जाए तो इनकी हर मैच में एक अच्छे स्कोर बनाए। सरविन मुनियांडी भी आपको बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपको जब शायद अजीज की बात की तो फ्रेंड्स, उनकी स्टार्ट्स अगर आपको बताना है तो फ्रेंड्स, यहाँ पर शायद अजीज को आप यहाँ पर अवॉइड कीजिए, इस प्लेयर को लेने की जरूरत नहीं फ्रेंड्स यहाँ पर।
तो इनकी कोई भी खास स्टैट्स भी नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इनको आप अवॉइड कीजिए। उसके बाद यहाँ पर देवेंद्र मोगान की बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर इनकी भी खास परफॉर्मेंस नहीं है। 4 रन कोई विकेट नहीं, 12 रन कोई विकेट नहीं, 0+0 विकेट। लास्ट मैच में जो प्रीवियस मैच है 31 रन 1 विकेट लिए थे, उसके बाद 14 रन 3 विकेट भी लिए थे फ्रेंड्स यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 2 रन 0 विकेट और 36+1 विकेट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इनको आप अवॉइड कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर बेस्ट प्लेयर की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको यहाँ पर कोई बाकी शायद अजीत की बात करें तो फ्रेंड्स अगर इनकी बात करें तो यहाँ पर इनका लास्ट मैच में जो खेले थे 18 रन बनाए थे 1 विकेट लिए। उसके बाद यहाँ पर 47 रन भी बनाए, वहाँ पर भी 2 विकेट लिए थे फ्रेंड्स शायद अजीज ने। उसके बाद 39 1 विकेट 14 रन 1 विकेट 9 रन 2 विकेट। तो यहाँ पर शायद अजीज को आप यहाँ पर ले सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 ऑलराउंडर लिए। आज मोहम्मद फाइज नज़ीर की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर इनकी अगर इनकी बात करें तो फ्रेंड्स इनको लास्ट अगर 6 मैच में देखा जाए तो फ्रेंड्स इनको पूरा मिला के 1-2 पूरा मिला के यहाँ पर इनको 3 विकेट मिला फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इस प्लेयर को अवॉइड कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये 3 ऑलराउंडर का आपको काफ़ी है। अगर यहाँ पर बॉलर्स की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर मोहम्मद आमिर की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर इनको लास्ट कुछ मैचेस में यहाँ पर देखा जाए तो 9+2 विकेट्स है, उसके बाद कोई विकेट नहीं मिला। तो यहाँ पर कोई रन्स भी खास नहीं बनाए, लेकिन यहाँ पर इनकी क्रेडिट बहुत अच्छे कैचेस भी हो सकता है फ्रेंड्स यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो अनवर रहमान की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अनवर रहमान की 4 विकेट 2 विकेट लिए लास्ट मैच में, फिर 2 विकेट लिए, फिर 2 विकेट प्लस 3 विकेट पूरा 1 विकेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूरा कुल मिला के अगर लास्ट 5 मैच देखा जाए तो इनको 10 विकेट मिला। तो अनवर रहमान को आप यहाँ पर कंफर्म कीजिए। उसके बाद मोहम्मद खैरुल्ला, मोहम्मद लुकमैन और यहाँ पर ये सारे प्लेयर्स आपको नहीं। विजय उन्नी की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर विजय उन्नी आपको यहाँ पर ऑलराउंडर्स में तो यहाँ पर नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर विजय उन्नी को आप अगर लेना है तो ले सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर है। अगर इनकी बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर विजय उन्नी ने लास्ट कुछ मैचेस में लास्ट मैच में 1 विकेट लिए, 0 पे आउट हो गए हैं। उसके बाद 2 विकेट लिए फ्रेंड्स, 3+2 विकेट्स हैं। उसके बाद यहाँ पर 1 विकेट लिए, फिर यहाँ पर 1 विकेट, 3+1 विकेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हर मैच में विजय उन्नी विकेट्स ले रहे हैं। यहाँ पर विजय उन्नी को आप यहाँ पर कन्फर्म कीजिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर। सचिन हटाइस की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर सचिन हटाइस तो अभी तक इस सीज़न में नहीं खेले। तो फ्रेंड्स अगर इनकी भी स्टार्ट आपको चाहिए तो मैं बता देता हूँ। इनको लास्ट पूरे 7 मैच में इनको पूरा मिला कुल मिला के 2 ही विकेट मिला फ्रेंड्स। 1 मैच में नहीं खेले थे, बॉलिंग नहीं किया, लेकिन 6 मैच में 2 विकेट मिला। तो आप इनको यहाँ पर अवॉइड कीजिए। तो यहाँ पर आपको बेस्ट प्लेयर कौन है तो फ्रेंड्स यहाँ पर मोहम्मद आमिर हजीम इनको आप ले सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एक और प्लेयर है फ्रेंड्स यहाँ पर, आप अगर उनको चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, रशीद अहद। तो ये तीनों ये चारों प्लेयर आपको बेस्ट है, नहीं तो आप यहाँ पर काफ़ी है फ्रेंड्स। ये 4 प्लेयर आपको यहाँ परफेक्ट टीम बना फ्रेंड। 2.5 क्रेडिट लेफ्ट जब होता है तो एक बेस्ट टीम माना जाता है। तो यहाँ पर अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो फ्रेंड्स मुनी आंडी और यहाँ पर अनवर खान मलिक, आमिर खान मलिक आपको बेस्ट ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। तो टीम प्रीव्यू एक बार देख सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पर हफीज है यहाँ पर, और यहाँ पर बैट्समैन में सामी रहमानुल्लाह, हशमी, कार्तिक, मुनी आंडी, आमिर खान मलिक, एस अजीज है, विजय उन्नी, आमिर अजीम, रशीद अहद और ये रहमान है फ्रेंड्स। यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए यहाँ पर मुनी आंडी और आमिर खान मलिक को मैंने यहाँ पिक किया। तो फ्रेंड्स ये कोई मेरा फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल विजिट करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाकर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि फाइनल टीम आपको वहीं पर मैं देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना फ्रेंड्स। थैंक यू।